हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का एलजेब्रा का वीडियो लेकर आया हूं। वो है हल करें 8.1 का। देखिए सवाल नंबर 5, 4 तक का सवाल आपका इसके पहले वाला वीडियो में मिल जाएगा। अभी आप 5 नंबर का सवाल देखिए। तो 5 नंबर का जो सवाल है वो क्या है सो देखिए। 5 नंबर का सवाल में आपका है एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 19x माइनस 30, ठीक है, या एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, ठीक है। अब देखिए x का मान यहाँ पे x का मान क्या रखने से ये जो है इसका भाग शेष जीरो आएगा। तो x का मान अगर हम रखते हैं माइनस 2 तो क्या होता है देख लेते हैं। वैसे तो आपको रख के देखना पड़ेगा इसमें अलग अलग मान, लेकिन यहाँ पे देखते हैं माइनस 2 रखने से क्या हमें मिलता है। माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 19 इंटू माइनस 2 माइनस 30, और एफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 38 माइनस 30, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका मान कितना आता है। थर्टी एट में 8 माइनस कर दीजिए, 30 माइनस 30 कट के कितना आ जाता है, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बराबर माइनस 2 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट होता है, अतः इस समीकरण का एक गुणनखंड एक्स प्लस 2 होगा, ठीक है। अच्छा, समीकरण आपका क्या है, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 19x, यही समीकरण है, माइनस 30। अब इसमें इसको हम गुणनखंड करेंगे इस तरह से, x प्लस 2, तीन बार x प्लस 2 लिख लीजिए, उसके बाद इसको सेटिंग कीजिए। देखिए यहाँ पर बराबर, देखिए यहाँ पे x क्यू है तो यहाँ पे x स्क्वायर डालिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर डालते हैं तो यहाँ पे एक्स क्यू हम लिख के देख लेते हैं, अब प्लस आया 2x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर कहीं नहीं है, तो यहाँ माइनस 2x स्क्वायर आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो माइनस 2x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4x, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4x है, यहाँ पर 19x, इसका मतलब अभी भी 15x की आवश्यकता है। तो अगर 15 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो आपका 15x आएगा, तो 15 और 4 19x हो जाएगा, और तब तक यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15 दूनी 30। अब देखिए ये तो कट ही गया है, और ये आपका 19x के बराबर हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, और इधर एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो मान रखे हैं वहाँ पे वो सही मान हुआ। अब क्या करना है आपको, एक्स प्लस 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है।
उसके बाद बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस 15। अगर 15 टूटता है दो में तो हम तोड़ देंगे, ये टूटेगा 5 × 3 में टूटेगा, ठीक है। तो इसको तोड़ लेते हैं, x प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5 × 15, 5 − 3 कर लेते हैं, ठीक है, और माइनस 15। अब इसको तोड़ते हैं, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15, ठीक है। एक्स प्लस टू कॉमन ले लीजिए, x x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5। अब क्या करेंगे, x प्लस टू और इधर x प्लस x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 एक बार और कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है। इसको अगर हम सजा के लिखें तो x प्लस 2, x प्लस 3 और x माइनस 5, और यही क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो इस तरह से हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फिर देखिए, फिर सवाल आ गया है, अब देखेंगे हम ये 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर का सवाल में यहाँ से उतारिए, 6 नंबर, 6 नंबर में 4a³ माइनस 9a² प्लस 3a+2। इस बार देखिए समीकरण में ए स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि इसमें क्या मान रखने से ये संतुष्ट करता है। तो a बराबर 1 रख के देख लें, एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 4a³ माइनस 9a² प्लस 3a+2, ठीक है। या एफ यहाँ पे कितना, 1 रखें ना, चलिए तो एफ 1 रखते हैं, पहले थोड़ा सा लिख लिया जाए, एक्स बराबर 1 रखने पर एफ 1 इक्वल टू 4 × 1³ माइनस 9 × 1² 3 × 1+2। चार माइनस 9 + 3 + 2, ठीक। तो इसमें जो आ रहा है 6 नंबर का सवाल में, तो कितना आ रहा है, 3, 2, 5, 5, 4, 9 आ रहा है, प्लस में 9 आ रहा है, माइनस में 9 आ रहा है, तो कट के आ जा रहा है, तो प्लस को जोड़ दीजिए तो 4, 3, 7, 2, 9, माइनस 9, शून्य आ गया। तो आप बताइए x बराबर 1 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट करता, अतः इस समीकरण का एक गुणनखंड क्या होगा। x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, x माइनस 1 होगा,
अब जो समीकरण है वो लिखिए, इसलिए 4a³ - 9a² + 3a + 2, यही तो समीकरण था। अब इसके लिए देखिए x-1 नहीं, यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब a रहेगा तो यहाँ पे हम x नहीं देंगे बल्कि यहाँ पे एफ ए दे देना पड़ेगा, ठीक है, एफ ए। तो यहाँ पे लिखेंगे x=1 नहीं लिख करके क्या लिख देंगे यहाँ पे, एफ ए बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा ए बराबर 1 रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे सुधार कर लेना पड़ेगा, यहाँ पे ए हो जाएगा ए बराबर 1 रखने पर, यहाँ भी हो जाएगा ए, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका आने वाला है a-1 फिर a-1 और फिर a-, तो यहाँ पे देखिए 4aq आने के लिए हमको यहाँ पे 4a² से गुना करना पड़ेगा। तो 4a² आया तो नीचे देख लीजिए क्या होगा, 4aq अब -4a², अब देखिए -4a² यहाँ पे 9a² है, तो क्या होगा -5a² का भी आवश्यकता है आपको, तो 5a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा -5a², और तब तक आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5a आ जाएगा। अच्छा 5a है, यहाँ पे 3a है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम क्या करेंगे -2 से गुना कर देंगे तो 2a- हो जाएगा, 3 आ जाएगा -2a और फिर माइनस माइनस प्लस 2। तो देखिए ये जो मान है ये इसके बराबर है, इसके बराबर भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन क्या लेंगे बताइए, a-1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a² - 5a - 2। अब देखिए 4 × 2 = 8, 8 को 5 में तोड़ सकते हैं क्या, अगर 8 को 5 में तोड़ सकते हैं तो ये इसका एक मदपथ विश्लेषण का गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन क्या 8 कभी 5 में टूटेगा, एक बार करके देख लेते हैं, 8 को हम क्या क्या ले सकते हैं, 4 × 2, तो या तो 4 × 2 = 6 में टूट सकता है या तो 2 में टूट सकता है, ठीक है, या तो लिख सकते हैं इसको 8 × 1, तो 8 × 1 लिखेंगे तो 9 में टूटेगा, नहीं तो फिर 7 में टूटेगा, तो ना ही यहाँ पे 6 है, ना ही यहाँ पे 2 है, ना ही यहाँ पे 9 है, ना ही 7 है, कुछ भी नहीं है, 5 है, तो इसलिए ये टूटेगा नहीं। जब मध्यपथ विश्लेषण में देखिएगा कि अब नहीं टूट रहा है तो आपको यही आंसर लिख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला हटा दीजिए, यहाँ पे आया था 4a², ठीक है, ये ब्रैकेट ही रहने दीजिए और यही आंसर, क्लियर। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लिए। ये कितना नंबर का सवाल था, ये 6 नंबर का सवाल था, ठीक है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सवाल लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।